द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज चाइल्ड कडलिंग इज नाउ being replaced by मोबाइल phones. डिस्कस इट्स impact ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन कडलिंग होता है जब आप बच्चे को गोदी में उठाते हो उसको अपनी बाहों में लेते हो ठीक है उसके साथ खेलते वगैरह हो वो वाली जो चीज है अब वो मोबाइल फोन से रिप्लेस हो रही है पेरेंट्स के हाथ में भी मोबाइल होगा बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन पे क्योंकि मोबाइल फोन की जो यूजेज है ये बढ़ चुकी है चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो छोटे बच्चे हो चिल्ड्रंस हो तो ये किस तरह से इंपैक्ट करेगा बच्चों की सोशलाइजेशन को इस पे जो है हमें जहाँ पे डिस्कस करना है सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन होगी एंड इट कैन बी द राइज ऑफ मोबाइल फोन एंड द पोटेंशली एंड द पोटेंशियल डिक्लाइन ऑफ physical affection through कडलिंग हाउ sparked concerns about the impact on children's socialization. अगर आपको aapko 250 वर्ड्स का होता है तो ये वाली हम हैडिंग लिखेंगे 150 ka का ही लिखना है तो ये वाला जो सेंटेंस likhne लिखने वाला हूँ सिर्फ यही सेंटेंस हम लिखेंगे अपनी हेडिंग के लिए वायल टेक्नोलॉजी ऑफर्स एवेन्यूज फॉर कनेक्शन इट्स क्रूशल टू कंसीडर दूनिक बेनिफिट ऑफ कडलिंग एंड इट्स पोटेंशियल रिप्लेसमेंट विद स्क्रीन टाइम तो इट वुड बी बेटर के हम ये वाली अपनी इंट्रोडक्शन मेन्शन करेंगे चाहे आप जहाँ पे मैंशन कर सकते हैं अगर आपको टू फिफ्टी वर्ड्स का होगा जहां पे रीजन लिख सकते हैं कि चाइल्ड कडलिंग किस तरह से मोबाइल फोन से जो है रिप्लेस हुई है हालांकि ये चीज पूछी नहीं गई है तो हम यहाँ पे 150 फिफ्टी वर्ड्स में इसको मेंशन नहीं करेंगे अगर ये 250 के लिए होता रीजंस फॉर रिप्लेसिंग चाइल्ड कडलिंग विद मोबाइल फोन्स तो आप उसके लिए रेफर कर सकते थे वर्किंग पेरेंट्स पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं न्यूक्लोराइजे न्यूक्लोराइज फैमिलीज के तो बच्चों को अटका देते हैं मोबाइलों के साथ एड वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं लेस टाइम दे पाते हैं अपने बच्चों को दूसरा आप देखेंगे जो पेरेंट्स है वो Themselves आपको एडिक्टेड मिलेंगे टू मोबाइल फोन एंड बच्चा इसी चीज को इमिटेट करता है वाट एवर देअर पेरेंट्स आर डूंग फर्दर आप देखेंगे चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले स्कूल का कल्चर आ गया है एंड पेरेंट्स जो है जो सोशलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्ले स्कूल को थमा दी है पहले हिस्टोरिकली हम देखते हैं तो पहले पेरेंट्स किया करते थे बच्चों की सोशलाइजेशन में एक मेजर रोल निभाते थे इवन आप घर में भी देखेंगे अगर घर में कोई विमेन काम कर रही होती है खाना बना रही होती है पेरेंट्स कोई काम कर का रहे होते हैं तो बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चे को एडिक्शन शुरू हो जाती है फर्दर आप देखेंगे मोबाइल फोन नेसेसिटी भी बन चुका है क्योंकि इसकी वाइड एप्लीकेशन हैं एंड कनेक्टिविटी के अंदर इसका मेजर रोल है एटी लोग जो है बिलीव करते हैं एक सर्वे के अंदर कि मोबाइल फोन जो है बहुत जरूरी है ये आदमी को अपने लाउड वंस के साथ कनेक्टेड रखता है इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर एंड फर्दर आप देखेंगे इंक्रीज कॉम्पिटिशन कोई भी आप एक्टिविटी करें तो उसके अंदर मोबाइल फोन का आपको यूज मिलता ही इवन फूड ऑर्डर कर लो या कोई और घर का कोई भी काम होंगे जो आपका प्रोफेशनल या पर्सनल वर्क है मोबाइल फोन उसके अंदर एक मेजर रोल निभा रहा है तो अगर आपको कंपीट करना है तो मोबाइल फोन का यूज करना पड़ेगा नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड हैव थिंकिंग कि सर जब हम इसके अब इम्पैक्ट लिखने वाले हैं ऑफकोर्स राइटिंग इम्पैक्ट 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 इजेशन ऑफ चिल्ड्रन नाउ एवरीबॉडी वुड हैव बीन थिंकिंग कि सर जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं मोबाइल फोन किस तरह से बच्चों को इंपैक्ट कर रहे हैं इनकी सोशलाइजेशन को तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है ठीक है एक न्यूट्रल स्टैंड हमारा यही रहेगा कि हम पॉजिटिव वे में भी लिखें निगेटिव में भी लिखें बट जनरली मेजरली देखा गया है कि अगर कडलिंग रिप्लेस हो रही है मोबाइल फोन से तो इसके मेजरली निगेटिव इंपैक्ट्स होंगे पॉजिटिव इंपैक्ट्स इसके कम होंगे ब, निगेटिव इम्पैक्ट्स के बजाय में सॉरी कंपैरिजन में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कम होंगे जब कडलिंग रिप्लेस होगी विद मोबाइल फोन तो चूंकि निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो पहले निगेटिव लिखेंगे हम एंड आंसर का मेजर पार्ट हम इसको डिवोट करेंगे जिस तरह से नर्चरिंग कनेक्शन विद चाइल्ड अगर आप फोन के साथ एंगेज होते हैं इनस्टेड ऑफ चाइल्ड तो इसकी वजह से जो बॉन्ड है बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड इसकी डेवलपमेंट अफेक्ट होगी देन वैल्यू ट्रांसमिशन बच्चे मोबाइल के साथ ज्यादा हैं या बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है मोबाइल्स की वजह से तो जो पेरेंट्स की वैल्यूज है वो बच्चे के अंदर नहीं जाएंगी जाहिर सी बात है बच्चा या मोबाइल से जो है पीरस की वैल्यू अडाप्ट करेगा या फिर लोनलीनेस से जूझेगा डिलेड इमोशनल डेवलपमेंट जो ईआई है बच्चे का ये इम्पैक्ट हो सकता है लो कोगनीर मोबाइल फोन एक्टिविटीज को डू वेल ऑन देर उ कैल्कुलेटर का यूज करना फॉर कैलकुलेशन फर्दर जो है इसकी वजह से जो फिजिकल एक्टिविटीज है बच्चों की वो रिड्यूस हो जाती है जहा पे देखा गया है चार से आठ साल के बच्चे जो है मेजरली इंडोर स्टे करते हैं जिनको मोबाइल की लत लग जाती है रादर बाहर खेलने जाने से देन जहाँ पे फर्दर ससेप्टिबिलिटी रहती है टू साइबर बुलिंग फर्दर आप देखेंगे डिफिकल्टी होती है जहाँ पे बच्चों को इन एस्टेब्लिशिंग रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरह से प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है तो इसमें बड़ी चैलेंज फेस करते हैं वो बच्चे जो मोबाइल के साथ ज्यादा रहते हैं फर्दर जहाँ पे एक्सपोजर हो सकता है बच्चों का टू इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट अनएजुकेट पेरेंटल एंगेजमेंट में एक्सपोज ए चाइल्ड टू हार्मफुल लैंग्वेज इमेज और आइडियाज नगेटिव इम्पैक्ट देर जो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इनके सोशल बिहेवियर को एग्जाम्पल बॉयस लॉकर रूम फर्दर आप देखेंगे इसकी वजह से सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि फिजिकल जो हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट होती है जिस तरह से हो ने रिपोर्ट किया है ओबेसिटी जो है बच्चों के अंदर बैठने की वजह से बढ़ती है एक्चुअली ये चीज हम हाँ मेंशन कर चुके हैं ऊपर तो उसी के अंदर आप इसको मेंशन करेंगे इसको एक्सपोजर ऑफ इन अप्रोप्रेट कंटेंट में आप ब्लू वेल चैलेंज का केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं ब्लू वेल चैलेंज रिसेंट ईय में ही ये देखी गई है दो ऑफ कोर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं इसने ओपन किए हैं डोर्स टू वेरियस एजुकेशनल रिसोर्सेस पर्टिकुलरली ये यूजफुल हो सकता है उन बच्चों के लिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज फेस कर रही है जैसा कि जिनको डिसलेक्सिया या ए डी एच डी जैसी डिसेबिलिटीज है प्रॉब्लम्स हैं वो वाले बच्चे जो है मोबाइल फोन से सीख सकते हैं एसेंशियल टेक ड्रेवन स्किल्स जो है बच्चों के अंदर आ सकते हैं जैसा कि नोट मेकिंग ऐप से एग्जांपल के, के तौर पे गुड नोट्स फिर कनेक्टिविटी का एक जो है कनेक्टिविटी एक किसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे बच्चे जो हैं जब कभी वो इमोशनली लो फील कर रहे होंगे तो पेरेंट्स से इमरजेंसी में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर और कोई जब रस्ते में कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पे बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रह सकते हैं बट ये चीज उन बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जो घर के अंदर ही रहते हैं ठीक है जो बच्चा जाहिर सी बात है प्रॉपरली चल नहीं सकता तो कनेक्टिविटी वाला पॉइंट जो है उसके साथ रिलेट नहीं करता थोड़ा जो बच्चे, बच्चे बड़े बच्चे हैं सात आठ साल के नौ साल के बच्चे तो फर्दर ये बॉक्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को जो है जहां पे उसका जो स्ट्रेस है डिप्रेशन वगैरह है उसको म्यूजिक एंड गेम से जो है एलिवेट कर सकते हैं जिससे जो बच्चे है शार्ट ब्रेक्स ले सकते हैं स्टडीज से बट मेजरली आप देखेंगे मोबाइल फोन अगर कडलिंग को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके निगेटिव ज्यादा इंपेक्ट हैं ठीक है इसलिए इसको जो है आप इस पे ज्यादा फोकस इसको जस्टिफाई ज्यादा ना करें इन क्वेश्चन के अंदर सो so जहां पे आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि जहां पे पेरेंटल विजिलेंस जरूरी है एंड पेरेंट्स की एंगेजमेंट विद द चाइल्ड इज नेसेसरी एंड यहाँ पे ये चीज जो है पेरेंट्स को इंश्योर करनी होगी कि अर्ली एज में बच्चे मोबाइल फ़ोन्स को एक्सपोज ना हो या फर्दर आप लिख सकते हैं कि पेरेंट्स जो बच्चों को फोन दे रहे हैं प्रॉपर विजिलेंस पेरेंटल विजिलेंस होना जरूरी है ताकि बच्चे जो हैं इस मोबाइल फोन से कहीं नि इसकी निगेटिव दिशा में नहीं जा रहे कुछ इन अप्रोप्रेट कंटेंट वगैरह नहीं देख रहे जिस तरह से यु यूट्यूब किड्स करके ऐप आता है या ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह हो सकते हैं जिससे बच्चे सीखें वैसे टेबलेट या मोबाइल फ़ोन बच्चों को दिए जा सकते हैं बट पेरेंट विजलेंस इसमें ज़रूरी है